आज इमरान खान साहब जो हैं वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आज इमरान खान साहब ने ये जो आर्गूमेंट था अपने सियासी मुखालफीन का, जो कहते थे कि अगर इमरान खान कबल अज वक्त इंतखाबात के मुतालबे में इतना ही संजीदा है, इतना ही मुखलिस है, तो पहले सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दे, तो आज इमरान खान साहब ने ये आर्गूमेंट खत्म कर दिया है। अब उनकी इखलाकी पोजीशन जो है वो बड़ी इस मामले में मजबूत हो गई है, ये इस हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते। वो सारी जो आज उन्होंने गेम बनाई है, वो अपनी तकरीर के आखिर में जो एक उनकी अनाउंसमेंट है 2 या 3 मिनट की, इसमें उन्होंने अपनी गेम दोबारा बना दी है। और वो जो लोग ये समझ रहे थे कि जी अब जनरल बाजवा साहब जा रहे हैं, अब नए आर्मी चीफ आ जाएंगे, और नए आर्मी चीफ की तकर्री के बाद वफाकी हुकूमत की कुछ शख्सियात ये समझ रही थी कि जनाब अब हमारा अगला इलेक्शन भी पक्का है, तो लेकिन अब इमरान खान साहब ने एक नया रोला डाल दिया, वो जो लफ्ज है ना रोला, तो नया रोला उन्होंने डाल दिया है कि उनकी जो एहतजाजी तहरीक थी वो आहिस्ता आहिस्ता नाकामी से दो चार होने के बाद इररेलीवेंट होती जा रही थी, लेकिन अचानक ये फैसला करके उन्होंने अपने आप को रेलिवेंट कर लिया है, और अब फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहबान जो मर्जी कहें कि जी इमरान खान नाकाम हो गया, उसके पले कुछ नहीं रहा, और अब उसे उसके साथ बात नहीं हो सकती, और वो नाकामी से दो चार होकर वापस चला गया, लेकिन अब अगर पंजाब असेंबली और पख्तूनख्वा असेंबली से पीटीआई बाहर आ गई तो आपको इमरान खान के साथ अर्ली इलेक्शन पे बात करनी पड़ेगी। अगर आप भागेंगे तो इसका नुकसान आपको होगा, इमरान खान को फायदा होगा।